क्या जोमैटो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगी? इसका जवाब ढूंढने से पहले आप ये सुनिए। मेरे सिटी में मैंने एक रेस्टोरेंट ओनर से बात की जिन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2019 में 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। रेस्टोरेंट को खुले हुए 6 महीने हुए थे और कोविड आ गया और उनका पूरा बिजनेस बंद पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने एनरोल किया जोमैटो और स्विगी पर और उनकी सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और आज उनकी 80% सेल्स जोमैटो और स्विगी पर ही आती है। लेकिन एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उन्हें डर लगता है इन दोनों कंपनीज से। कभी इन कंपनीज के डिलीवरी बॉय स्ट्राइक कर देते हैं, कभी ये कंपनीज कमीशन को बढ़ा देती है और इन दोनों कंपनीज के लॉसेस को देखकर इन्हें ये लगता है कि अगर दोनों कंपनीज बंद हो गई तो इनके बिजनेस का क्या होगा। अब ये डर सिर्फ इनका नहीं है बल्कि इंडिया के हजारों रेस्टोरेंट और लाखों डिलीवरी बॉयज का भी यही हाल है। और फिर डर जोमैटो के इन्वेस्टर्स में भी है क्योंकि जोमैटो की शेयर प्राइस आज तक अपने लिस्टिंग प्राइस तक भी नहीं पहुंची है, आज भी 40% डाउन ही है। इसलिए सवाल ये है कि महीने के 4.5 करोड़ ऑर्डर्स आने के बावजूद जोमैटो आज तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाई? क्या जोमैटो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगी या ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी? और आखिर फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ना तो सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस की कंपनी भी आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है? आपके नॉलेज के लिए हमने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के दिन घर पे खाना मंगवाना बहुत इजी हो गया है, लेकिन क्या कुछ समय पहले ऐसा था? नहीं, 2015 के पहले अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, ऑर्डर देना पड़ता था और वेटर को टिप भी देना पड़ता था। और उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढे कैसे जाए। कोई ऐसी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी जैसी चीज तो थी नहीं जिसमें हम अपने घर के आसपास के रेस्टोरेंट के लिस्ट को देख सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे IIT के 2 ग्रेजुएट्स ने, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा। उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था फूडी बे, जिसे बाद में बदलकर जोमैटो कर दिया गया। इंडिया में जियो के आगमन के कारण हर किसी के हाथ में 4G फोन पहुंच रहा था और तभी जोमैटो ने अपॉर्चुनिटी देखा इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लाने का। हालांकि जोमैटो इसमें पहली कंपनी नहीं थी, इंडिया के बाहर भी बहुत सी कंपनी जोमैटो के पहले एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस एपिसोड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिन कंपनीज को जोमैटो ने कॉपी किया था इंडिया में वो कंपनीज भी उस टाइम पर प्रॉफिटेबल नहीं थी। 2015 में फूड डिलीवरी इंडिया के लिए बिल्कुल नई चीज थी और अगर कस्टमर्स को किसी नई चीज की आदत डलवानी है तो एक ब्रह्मास्त्र है जो हर स्टार्टअप यूज करती है और वो है हैवी डिस्काउंट। मुझे याद है जब जोमैटो मेरे सिटी में लॉन्च हुई थी तो मैंने एक चीज रोल सिर्फ 15 रुपए में मंगाई थी डिस्काउंट लगा के। इसी कारण से जोमैटो बहुत तेजी से फेमस होने लगी और स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच। 2016 में ही जोमैटो को हर महीने 10 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे, लेकिन तभी से भर भर के लॉसेस भी होने लगे। लेकिन इनके लॉसेस में डीप डाइव करने से पहले हमें जोमैटो के वर्किंग मॉडल को समझना होगा। जोमैटो के वर्किंग मॉडल में 4 मेन कंपोनेंट्स है, एक है कस्टमर, एक है डिलीवरी बॉय, एक है रेस्टोरेंट और एक खुद कंपनी। सबसे पहले तो जोमैटो को जिस सिटी में ऑपरेट करना होता है वहां पर ये बहुत से एम्प्लॉयज को डिप्लॉय करती है। उनका काम होता है हर रेस्टोरेंट कैफे को ऑनबोर्ड कराना जोमैटो के प्लेटफॉर्म पर। अब जैसे ही जोमैटो पर सारे रेस्टोरेंट्स लिस्ट हो जाते हैं, कस्टमर्स ऑर्डर कर सकते हैं उन रेस्टोरेंट्स पर। जैसे ही कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करेगा वो ऑर्डर पहुंचेगा रेस्टोरेंट के पार्टनर ऐप पर। अब रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी और इसके बाद जोमैटो की AI उस एरिया में मौजूद डिलीवरी बॉय को ऑटोमेटिकली असाइन कर देगी। डिलीवरी बॉय ऑर्डर को पिकअप करके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। बेसिकली जोमैटो एक एग्रीगेटर या फिर आप कह सकते हैं मीडिएटर की तरह काम करती है जो कस्टमर, डिलीवरी बॉय और रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जोमैटो यहाँ रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? जोमैटो के रेवेन्यू मॉडल में सबसे मेन कॉम्पोनेंट है फूड डिलीवरी। जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है तो वो फूड के कॉस्ट के साथ कुछ और चार्जेस भी देता है, जैसे टैक्सेस, पैकिंग चार्जेस एंड डिलीवरी चार्जेस। अब देखा जाए तो फूड की जो प्राइस है वो जानी चाहिए डायरेक्ट रेस्टोरेंट के पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जोमैटो 25-30% कमीशन रखती है, जो टैक्सेस होती है वो जाती है डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास और पैकिंग चार्जेस डायरेक्ट दे दिया जाता है रेस्टोरेंट को। अब डिलीवरी चार्जेस ज्यादा तो जोमैटो के पास ही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जोमैटो जितना डिलीवरी चार्ज कस्टमर से लेती है उससे ज्यादा ही उन्हें देना पड़ता है डिलीवरी बॉय को। फाइनेंशियल 2023 में जोमैटो ने जनरेट किया था 7,000 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें से 4,500 करोड़ सिर्फ फूड डिलीवरी से ही आए थे। सेकंड रेवेन्यू सोर्स है जोमैटो हाइपरप्योर। इसमें जोमैटो अपने बहुत से पार्टनर रेस्टोरेंट्स के रेसिपी में यूज होने वाली रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती है। इससे उनकी फूड की क्वालिटी मेंटेन रहती है और जोमैटो अश्योर्ड भी रहती है। इस सेगमेंट से जोमैटो को 2 फायदे होते हैं। पहली है सिनर्जी, क्योंकि जोमैटो ऑलरेडी ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में आ चुकी थी तो वो हाइपरप्योर के लिए भी रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते तो उन्हें बल्क डिस्काउंट मिल सकते थे। और दूसरी ये कि जोमैटो के पास हर रेस्टोरेंट का डेटा अवेलेबल था, जैसे कौन सी रेस्टोरेंट किस टाइप की फूड ज्यादा सेल करती है। इस डेटा से जोमैटो को पता चल जाता कि किस रेस्टोरेंट को कौन सी रॉ मटेरियल ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू जोमैटो रॉ मटेरियल के क्वांटिटी
क्वांटिटी को मेंटेन रखती और सही टाइम पे डिलीवर करके प्रॉफिट भी बनाती। इस सेगमेंट से जोमेटो ने 1500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी। थर्ड रेवेन्यू सोर्स है क्विक कॉमर्स, जो है ग्रोसरी डिलीवरी बाय ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के लिए हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता था, आखिर जोमेटो ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर क्यों किया। इन्हें बेसिकली इससे भी दो फायदे होते। पहली तो ये कि ब्लिंकिट के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसे यूज करके जोमेटो अपने कस्टमर बेस को बढ़ा लेती। और दूसरी ये कि मान लीजिए अमरावती अपार्टमेंट में जोमेटो के डिलीवरी बॉय को एक फूड पैकेट डिलीवर करना है और उसी अपार्टमेंट में ब्लिंकिट को भी ग्रोसरी डिलीवर करना है, तो जोमेटो के AI ऑटोमेटिकली एक ही डिलीवरी बॉय को दोनों चीजें असाइन करेगी और कंपनी के पैसे बचा लेगी। लेकिन फिर भी जोमेटो के लिए ब्लिंकिट एक प्रॉफिटेबल डील अभी तक नहीं बन पाई है, और इसके रीजन के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया था। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जोमेटो ने 2023 में 7000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की, एग्जैक्टली 7760 करोड़, लेकिन इसमें से 971 करोड़ का लॉस किया। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें जोमेटो के एक्सपेंसेस को समझना होगा। ये तो आपको पता ही है कि जोमेटो ने कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए डिस्काउंट्स को यूज किया, लेकिन ये इंक्लूड होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में। मतलब ये कि एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऑर्डर कराने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर चिपकाए रखने के लिए रेगुलर ऑफर्स भी देने पड़ते हैं और सोशल मीडिया में एड्स भी चलाने पड़ते हैं। और इन सबको मिलाकर जोमेटो ने 2023 में 1227 करोड़ खर्च किए, जिसे कहते हैं प्रमोशनल एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा 2023 में डिलीवरी करने में जो कॉस्ट आई वो है 2537 करोड़। कस्टमर और रेस्टोरेंट को सर्व करने के लिए जो एम्प्लॉइज लगते हैं उसकी कॉस्ट है 1465 करोड़। हाइपरप्योर और ब्लिंकिट में मटेरियल्स खरीदने की कॉस्ट है 1395 करोड़। और अगर सारे अदर एक्सपेंसेस को मिला दे तो टोटल एक्सपेंस होती है 8731 करोड़। एंड ऑब्वियसली 7700 करोड़ के रेवेन्यू में माइनस किया जाए तो 971 करोड़ लॉस निकलेगी। लेकिन ये हाल सिर्फ जोमेटो का नहीं है, इंडिया के बाहर की कंपनीज भी आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर। अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल इसलिए भी हो पाई क्योंकि इसके रेवेन्यू 15 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। और साथ में ये कंपनी सिर्फ फूड डिलीवरी सेगमेंट में नहीं है, ये और भी अदर सेगमेंट्स में है, जैसे टिकट बुकिंग एंड ट्रैवल एक्सेट्रा। हमने ये तो देख लिया कि जोमेटो के एक्सपेंसेस ज्यादा है इसलिए वो लॉसेस में है, लेकिन क्या जोमेटो एक कस्टमर को फूड डिलीवरी प्रॉफिटेबली कर पा रही है? मतलब ये कि क्या जोमेटो एक कस्टमर के लेवल पर प्रॉफिटेबल है? इसे समझने के लिए हमें जोमेटो के यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से पंकज ने एक 200 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया जोमेटो के थ्रू गुप्ता रेस्टोरेंट में, जिसमें उसने 35 रुपए डिलीवरी चार्जेस भी दिए। सबसे पहले तो फूड के कॉस्ट में जोमेटो 27% कमीशन रख लेगी, जो होती है 54 रुपीज। डिलीवरी चार्जेस और कमीशन को मिलाकर जोमेटो ने इस ऑर्डर पर बनाए 89 रुपीज। अब क्योंकि कस्टमर की एड्रेस 5 किलोमीटर दूर है, तो जोमेटो को करीब करीब डिलीवरी बॉय को 50 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब जोमेटो के पास बचे 39 रुपीज। अब ये 39 रुपीज जोमेटो के लिए प्रॉफिट हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसके बाद भी और भी कॉस्ट होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस जैसी एक्सपेंसेस आती है, जो होती है अप्रॉक्स 16 रुपीज पर ऑर्डर, जिसके बाद जोमेटो के पास बचते हैं 23 रुपीज। और इंटरेस्टिंगली जोमेटो हर ऑर्डर पर 23 रुपीज के आसपास प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स पर खर्च कर देती है, जिसके बाद जोमेटो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ चुकी है। अभी भी एक्सपेंसेस की लिस्ट खत्म नहीं हुई है क्योंकि इसके बाद भी अदर एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसके बाद जोमेटो नेगेटिव में चली जाएगी या फिर जोमेटो की यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, आज के दिन जोमेटो की यूनिट इकोनॉमिक्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है क्योंकि डिस्काउंट्स को बहुत कम कर दिया गया है। साथ में जोमेटो अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन भी कर रही है, यानी कि जिस सिटी में जोमेटो को प्रॉफिट नहीं हो रही है वहां से वो विथड्रॉ कर ले रहे हैं। साथ में वो रेस्टोरेंट पर लगने वाले कमीशन को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं और डिलीवरी बॉय के इंसेंटिव्स को धीरे धीरे करके घटा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब करने से जोमेटो ज्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएगी? इसे समझने के लिए एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप के इवोल्यूशन में चलना होगा। जब एक फूड डिलीवरी कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देकर अक्वायर करती है, तो वो अपने वर्किंग मॉडल के सिर्फ एक कॉम्पोनेंट को खुश कर रहे हैं, जो है कस्टमर्स। लेकिन रेस्टोरेंट और डिलीवरी बॉय को क्या फायदा? हाँ, उनकी इनकम और सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ये काफी नहीं है उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर चिपकाए रखने के लिए। इसलिए जोमेटो ने शुरुआत से ही अपने रेस्टोरेंट पर लगने वाले कमीशन को 10-15% के बीच में ही रखा, और उस टाइम पर डिलीवरी बॉय को मिलने वाले इंसेंटिव्स भी बहुत ज्यादा थे। और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इन कंपनीज के पास इनिशियली बहुत कैश होती है बर्न करने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिटेबल होने के लिए जिन कस्टमर डिलीवरी बॉयज और रेस्टोरेंट को आपने खुश किया था, उसे आपको नाराज करना पड़ेगा। अगर कस्टमर्स की बात करें तो जोमेटो ऑलरेडी बढ़ी हुई फूड प्राइस पर डिस्काउंट्स को भी हटा देती है, तो जिस कस्टमर के घर के पास रेस्टोरेंट ऑलरेडी है वो तो जोमेटो से ऑर्डर नहीं करेगा। और क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो बढ़ी हुई प्राइस देखकर बहुत से लोग तो ऑलरेडी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। मिला जुलाकर जोमेटो के पास बचेंगे 60% कस्टमर्स, जिन्हें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लेते हैं जोमेटो इस 60% कस्टमर्स से ही खुश है, लेकिन क्या रेस्टोरेंट और डिलीवरी बॉयज लॉस में काम करेंगे? हो सकता है ये भी करेंगे,
लेकिन जिस मोटिवेशन से ये पहले करते थे वो मोटिवेशन अब नहीं रहेगी, जिसके कारण फूड की क्वालिटी खराब होगी, या तो फूड की प्राइस बढ़ जाएगी या फिर डिलीवरी में भी इश्यूज आएंगे। और क्योंकि रेस्टोरेंट और डिलीवरी बॉय जोमैटो के डायरेक्ट एम्प्लॉयज नहीं है, तो जोमैटो लीगली कोई एक्शन भी नहीं ले सकती है। ये सब जो मैंने कहा वो एक्चुअली आज के दिन पर हो भी रहा है। आजकल जोमैटो पर कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस 30% बढ़ी हुई प्राइसेस रहती ही है, जबकि कस्टमर्स डिलीवरी चार्ज भी दे रहे हैं और डिलीवरी बॉयज कस्टमर्स के साथ सेटिंग करने की भी कोशिश करते हैं। देखा जाए तो फूड डिलीवरी होने से एक कस्टमर का टाइम बचता है, लेकिन इंडिया में पैसे की वैल्यू ज्यादा है टाइम के मुकाबले। अब अगर कस्टमर को खुश रखना है तो किसी भी इशू पर उन्हें रिफंड देना पड़ेगा, साथ में नए कस्टमर्स को ऑफर्स भी देने पड़ेंगे, जिसके कारण लॉसेस और बढ़ेंगे और ये लूप हमेशा के लिए चलता जाएगा। बेसिकली ये कंपनी चारों तरफ से फंस चुकी है। अगर प्राइसेस बढ़ाए तो कस्टमर परेशान, फीस को कम करें तो डिलीवरी बॉय परेशान, और अगर कमीशन को बढ़ाएं तो रेस्टोरेंट परेशान। लेकिन इन सब चीजों से कंपनी तो कंसर्न्ड है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है अपने रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने की, जैसे एडवर्टाइजिंग। आज के दिन जोमैटो ऑप्शन देती है अपने रेस्टोरेंट्स को उनके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने की। मतलब ये कि रेस्टोरेंट को चार्ज पे करके अपने लिस्टिंग को स्पेशल दिखा सकती है या फिर लिस्ट के टॉप पर दिखा सकती है। और फिर जोमैटो टाइम टू टाइम इवेंट्स भी कराते रहती है कि कस्टमर्स एंगेज रहे और उनसे उनकी रेवेन्यू भी बढ़े। उन्होंने क्लाउड किचन में भी एंटर किया था, लेकिन वो वहां भी फेल हो गए। और अब जाके जोमैटो ने फाइनल कर लिया है कि वो अपने कोर बिजनेस जो है फूड डिलीवरी को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट वेट, अगर जोमैटो को ये सब पता था तो वो इस सेगमेंट में आ ही क्यों? द रीजन इज मार्केट पोटेंशियल। बेसिकली इंडिया के पॉपुलेशन में सिर्फ 7-10% लोग ही फूड डिलीवरी को यूज करते हैं, एंड कम्पेयर टू चाइना ये नंबर है 50%। और यही रीजन है कि चाइना बेस्ड मीटुआन $15 बिलियन की रेवेन्यू बना पा रही है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट हर साल 33% CAGR के हिसाब से ग्रो करेगी, यानी कि जोमैटो की रेवेन्यू जो 2023 में 7700 करोड़ है, वो अगले साल 10,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। वॉल्यूम और डिमांड बढ़ने से ये जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो पाएंगे, और जिस दिन ये प्रॉफिटेबल हुए उस दिन इन्होंने जितने भी पैसे जलाए हैं वो 2-3 साल के अंदर रिकवर कर लेंगे। क्योंकि जोमैटो अगर एक ऑर्डर पर सिर्फ 10 रुपए भी कमाती है तो आसानी से 500 करोड़ की प्रॉफिट बना लेगी। बेसिकली इट्स अ रिस्की गेम बट विद हाई रिवॉर्ड। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या जोमैटो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगी, क्या इन्हें कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी या फिर ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।